भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में हुई ताजा झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत कुल 3 जवान शहीद हो गए। इसी बात से दुखी हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि सरकार इसका बदला ले और शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। ओवैसी के अलावा भी तमाम विपक्षी नेताओं ने इस घटना की निंदा की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि आज गलवान घाटी में चीन ने जिन 3 बहादुर जवानों को मार डाला, भारत उनके साथ खड़ा है। मैं कर्नल और 2 वीर सिपाहियों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ ना जाए। वही हालात का जायजा लेने के लिए बैठकों का दौर जारी। पहले 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। वही सरकार का मानना है कि चीनी सरकार ने गलत किया है। इसके साथ ही साथ विपक्ष चीन की इस कायराना हरकत से चकित है और सरकार से मांग कर रही है कि भारत इसका जवाब दे। अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या करती है और कैसे आगे बढ़ती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल तो पूरा देश चीनी हरकत की आलोचना कर रहा है।